स्वागत है और मैं हूँ आरती सिंह। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अपने कारगुजारी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है, चाहे वो परीक्षा में कदाचार की बहती गंगा हो या फिर टॉपर्स घोटाले की महालीला। आज फिर भोजपुर जिले के सरकार के बेहतर शिक्षा के दावे की पोल उस वक्त बेनकाब हो गई जब परीक्षा के दौरान कॉलेज रूम में कुव्यवस्था के साथ कदाचार की गंगा बह रही थी। यह सब कुछ नजारा एग्जाम ले रहे परीक्षकों के आंखों के सामने चल रहा था। यह कदाचार भला हो भी क्यों ना। दरअसल स्नातक भाग दो की परीक्षा में परीक्षार्थियों को बेंच के अभाव में कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को जमीन पर बैठकर उनकी दक्षता परीक्षा ली जा रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर परीक्षार्थी भी चूकना नहीं चाहते थे और परीक्षा में खुलेआम नकल कर शिक्षा विभाग के दावों को ठेंगा दिखा दिया। बिहार में लगातार हो रहे टॉपर घोटाले, जहां सरकार की किरकिरी कर दी, वहीं सरकार भी इससे सबक लेना उचित नहीं समझती। शिक्षा विभाग के स्तर में हो रही गिरावट का नतीजा यह होता है कि छात्र खुलेआम कदाचार करते नजर आते हैं, साथ ही जमीनों पर बैठकर दक्षता परीक्षा देते नजर आते हैं। लेकिन इन कमियों को दूर करना शायद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर समझता है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह तस्वीरें हैं भोजपुर जिले के कुंवर सिंह कॉलेज की, जहां के परीक्षार्थी बड़े ही आराम से समूह बनाकर जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं और उनके सामने परीक्षक बेंच पर बैठकर उनके द्वारा किए गए कार्य को देख रही हैं। ना ही वो रोक पाती हैं और ना ही उन्हें टोक पाती हैं। आखिर वो करे भी तो क्या, क्योंकि सिस्टम ही गड़बड़ है। इन तस्वीरों को देखने से आपको यकीन हो गया होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस हालात में जीने को मजबूर है। यह तस्वीरें इस बात की गवाह है कि इन परीक्षार्थियों के सामने एक कुव्यवस्था है तो दूसरी तरफ कदाचार रहित परीक्षा। बहरहाल जब इस मामले में कुलपति से बात की गई तो उनका क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। परीक्षा केंद्र पर काफी संख्या में परीक्षार्थी आए, किस प्रकार से परीक्षा लिया जा रहा है? परीक्षा तो कदाचार मुक्त हो रही है, सभी लोग को अपना लिख रहे हैं। सर अभी ऐसा एक दिखने के मामला है कि सर कुछ छात्र फर्श पर बैठ के एग्जाम दे रहे थे। नहीं नहीं, कुछ बेंच के टूट गया था, बेंच कम है तो सबको व्यवस्था कर दिया गया, बैठ गया सब, ऐसी बात नहीं है। संख्या अधिक हो गई है, मैंने विश्वविद्यालय को कहा था कि हमारे यहाँ संख्या अधिक हो गई, आप अपना दूसरा व्यवस्था कीजिए। लेकिन कहा कि आप किसी तरह ले लीजिए, ले लीजिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रमोद तिवारी। तो परीक्षा चल रहा है संजय बीरकुंवर सिंह कॉलेज में, कुछ परीक्षार्थी फर्श पर बैठकर एग्जाम दे रहे सर, और कदाचार पूरा धड़ल्ले से हो रहा है। डिग्री टू के एग्ज़ाम में कल भी हम लोग सारे सेंटर्स पर गए थे और कोशिश ये की जा रही है कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, और कल बहुत अच्छे से परीक्षा चली थी। दो कॉलेजेस में, चूँकि नैक का इंस्पेक्शन होने वाला है महाराजा कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में, तो वहाँ सेंटर नहीं देना था, नहीं दे सके, इसलिए लोड एक जो बचे हुए सेंटर्स हैं उसमें ज़्यादा है। आज परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा थी और जहाँ भी जिस सेंटर पर भी ऐसा हुआ होगा कि कदाचार हुआ होगा या लड़कों को ज़मीन पर बैठना पड़ा होगा, जैसे कि एक कॉलेज की रिपोर्ट हमको आ रही है कुंवर सिंह कॉलेज में, करीब 12 लड़के को ज़मीन पर बैठना पड़ा है। सर 12 से ज़्यादा लड़के? अच्छा, जो भी हो, जो भी संख्या हो, तो जिस सब्जेक्ट के भी होंगे वो सब्जेक्ट का आज का पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, बल्कि कर दिया गया। या अभी हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड में ही बैठे हैं और ये निर्णय हम लोग ले चुके कि जो भी बच्चे ज़मीन पर बैठ के दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सर जो बच्चे बेंच पर उसी भी सब्जेक्ट को होंगे तो उनका कैंसिल नहीं होगा? हमने क्या कहा कि जिस सब्जेक्ट के बच्चे ज़मीन पर बैठे होंगे उस सब्जेक्ट का आज का परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा एंटायर। असर जो कदाचार जहाँ हो रहा उस पर कोई कार्रवाई? वो जहाँ भी हो रहा है उसके प्रिंसिपल से, ये जो सेंट्रल सुप्रिंटेंडेंट है उनसे कारण पूछा किया जाएगा। और हम खुद कल 4 सेंटर में गए थे
और कल की जो रिपोर्टिंग थी वो ये थी कि लगभग कदाचार मुक्त था। जो पहले की व्यवस्था रहती थी उसके पिछले साल जो पार्ट टू का हुआ था और इस साल में फ़र्क है, लेकिन एक एक बैग 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, धीरे धीरे हो रहा है। कल बहुत हद तक हो गया था, सेकेंड सीटिंग से और इम्प्रूवमेंट होगा, आज भी कल और इम्प्रूवमेंट होगा। आज जहाँ गड़बड़ फर्स्ट सीटिंग में हो गया है उसके लिए सीएस से कारण पूछा किया जाएगा। आगामी दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम दोनों त्योहार को सफल सुचारू एवं सुव्यवस्थित संपादन हेतु जिलाधिकारी संजीव कुमार ने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ कृषि भवन सभागार में बैठक की और क्या कहा आइए सुनते हैं। गोताखोर वगैरह पट्टे जगह पर रखने की कोशिश करेंगे। एसडीओ साहब के पास जो महत्वपूर्ण विसर्जन स्थल है वहाँ पर जितने भी एसडीओ साहब हैं उनके द्वारा 5-5 गोताखोर रख लिया जाए। 5-5 बढ़ई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए आते हैं तो उनके द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। उनके पीछे 50 वो इधर जाएंगे खोलने के लिए उधर जाएंगे और उसको काट नहीं सकते हैं, उसके कारण एक मूर्ति विसर्जन में विलम्ब होता है। तो बढ़ई की व्यवस्था सभी जो भी पूजा समिति वाले हैं जिससे काटा जाता है और दो वर्कर की व्यवस्था वो लोग अपने स्तर से रखेंगे। हमारे एसडीओ साहब और 5 बढ़ई ये सभी लगभग 10 वर्कर और बढ़ई की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार होता है कि बारिश वगैरह हुई तो मूर्ति वाला वहीं पर छोड़ करके भाग जाएगा कि विसर्जन प्रशासन करा दे, तो आपके साथ आपका है उसके बाद अपना बढ़ई उसको देकर जल्दी से उसका विसर्जन करवाइए। अच्छा, दूसरा है मूर्ति विसर्जन के समय रूट की विवरणी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूट का कई बार भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है, उन्होंने जो भी रूट अंतर्गत रहेगा कि यहाँ से वहाँ रूट एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथी जगह मात्र ये लिखा रहेगा, उसके बीच में वो लोग कहीं घुमा देंगे। पूजा समिति है तो उसको मुस्लिम एरिया में घुसा देंगे, हो सकता है उधर रूट भी उनका नहीं हो। तो ऐसे कानून की आड़ में पुलिस मनमानी कर रही है, वाहन जांच के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। परिवहन एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनर बुक, इंश्योरेंस, हेलमेट आदि जांच का अधिकार ना होने के बाद भी पुलिस कर्मी ऐसा करते हैं। यातायात के साथ अपराध नियंत्रण के नाम पर चलाए जा रहे अभियान पर पुलिस परिवहन एक्ट का अनधिकृत रूप से उपयोग कर रही है। इनके निशाने पर गाँव देहात एवं कम जानकार लोग होते हैं। सूत्र बताते हैं कि वाहनों के कागजात की कमी दिखाकर 400-500 रुपए की वसूली होती है। होमगार्ड के भी कई जवान वाहन जांच कर अपनी जेब गर्म करते हैं। यातायात नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के नंबर 2012 में पहली बार एक वर्ष के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 से 190 तक के उल्लंघन पर जुर्माने का अधिकार दिया था। बाद में इसे हर 6 माह पर के लिए बढ़ाया गया। अंतिम बार दिसंबर 2014 में 6 महीने का अधिकार दिया गया, जो जून 2015 में खत्म हो गया। बावजूद भी जांच के नाम पर वसूली की जा रही है। पुलिस को ओवरलोडिंग वाहनों की जांच का अधिकार नहीं है। यातायात नियंत्रण के लिए जिन थानों को अधिकार दिए गए थे उन्हें भी यह नहीं दिया गया, मगर जानकारों के माने तो कई थानों द्वारा आए दिन ओवरलोडिंग वाहनों को पकड़ा जाता है, उनसे मोटी रकम वसूल छोड़ दिया जाता है। स्थानीय कहते हैं अपराध नियंत्रण के तहत चलाए गए अभियान में पुलिस जांच कर सकती है। इसमें उसे यह देखना है कि गाड़ी से कोई हथियार तो नहीं ले जाया जा रहा है या गाड़ी चोरी की तो नहीं, मगर पुलिस इसकी आड़ में भी वसूली करती है। कागजात में कमी होने पर जुर्माने के लिए सक्षम अधिकारियों के हवाले करना चाहिए। मनमानी कर रहा है, डेली यहाँ का लोकल लोग है वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मनमानी पैसा के लिए यहाँ पे रोका जा रहा है और किसी पुलिस वाले का अधिकार नहीं है कि यहाँ पे चाबी चलती गाड़ी से छीना जाए। मेरी गाड़ी का यहाँ पे दो आदमी था यहाँ पे, या तो पूरा नियम कानून से पूरा पालन किया जाए नहीं तो इसे किसी का मतलब ये अनुशासन नहीं है कि किसी का चाबी, ये अधिकार किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि चाबी किसी के गाड़ी में से छीना जाए। अर्थात हम इसे अनुरोध करेंगे कि इसका विरोध किया जाए।
अभी आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हुआ है कि वहाँ हम लोग दो आदमी आ रहे थे, दो आदमी आने के बाद हमारे मित्रगण बोले कि गाड़ी रोकने के लिए, हम बोले कि साइड हटिए, हुआ है मेरा चाबी निकाल लिए, ये किसी का अधिकार नहीं है चाबी निकालने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह। रोगी को लेकर जा रहे थे, मेरा देखिए पैसा उसा भी ले लिया लोग, गाड़ी चले गए, कहीं चले गए हैं, एक पुलिसकर्मी को गाड़ी देकर कहीं विदा कर दिए, हमको नहीं मालूम है कहाँ गाड़ी गई है, ये लोग मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहाँ जा रहा था यहाँ से? कितने लोग थे मोटरसाइकिल पे आप लोग? दो आदमी थे सर। तब किस लिए पकड़ा गया है? ये बोल रहे हैं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ सर, हम स्टूडेंट थे, अभी तो दवा कराने के लिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस अभी तो नहीं बनाए, तो सर ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से दिखाएं? कागज मेरा ओके है, पेपर दूसरा कागज नहीं है, लेकिन कागज इंश्योरेंस, लेकिन ये लोग बलात्कार पकड़ के लिए गाड़ी लेकर चले गए। क्या नाम है? दिनेश कुमार।